भाई इधर आना। क्या है ये, क्या लिखा हुआ है? तेजू के पापा के जूते। उल्टा पट के सुनाओ। तेजू के पापा के जूते। अरे भाई उल्टा पट के सुनाओ। उल्टा सीधा एक समान है। सूरत की बात मत करिए जनाब, मेरी माँ मुझ पे मरती है। कोई मुझे खोने से डरे या ना डरे, पर मेरी माँ बहुत डरती है। सुनो ना, हाँ? मेरे अलावा किसी को दिल तो नहीं दोगी अपना? तुम्हारे अलावा मैं अपनी चॉकलेट तक ना दूँ किसी को दिल, तो बहुत दूर की बात है। तुम लड़के लोग इतने पतले क्यों होते हो? सारा भाव जो तुम लोग खा लेती हो। जिंदगी में प्रॉब्लम्स ऐसे पीछे पड़ी है ना, जिंदगी में प्रॉब्लम्स ऐसे पीछे पड़ी है जैसे मैं ही उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत हूँ। मैं आज के बाद तुमसे बात नहीं करूंगा। देखो मैं 10 तक गिनती गिन रही हूँ, अगर तुमने मुझसे बात नहीं की ना तो मैं जहर खा लूंगी। 1, 2, प्लीज बात कर दो ना। अरे मेरी माँ, गिनती आगे करना, जहर खा जहर। अच्छा हुआ तुमने बात कर दी, फालतू में मुझे जहर खाना पड़ जाता है। आजकल की लड़कियां, जरूरी नहीं है सबकी नजरों में अच्छे बनो, कुछ लोगों की नजरों में खटकने का मजा ही कुछ और है। हेलो बेबी। नानी। हेलो बेबी। नानी आपके बॉयफ्रेंड है? एक नहीं चार है, जरूर चाहिए। नो 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 नो, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मोहब्बत अगर चेहरे से होती तो यकीन मान ले मेरी जान, तेरे से नहीं होती। बेबी, डॉक्टर ने तुम्हें 10 बजे दवाई लेने के लिए कहा है, तुम 5 बजे क्यों लेते हो? अबे पागल, दुश्मन पे तभी वार करना चाहिए जब वो तैयार नहीं हो। पागल नहीं है भैया हम। लोग रूप देखते हैं, हम दिल देखते हैं। लोग सपना देखते हैं, हम हकीकत देखते हैं। बस फर्क इतना है कि लोग दुनिया में दोस्त देखते हैं और हम दोस्तों में दुनिया देखते हैं। सुनो सुनो, तुमने आज का पेपर पढ़ा? पेपर में लिखा था 25% महिलाएं दिमाग के लिए दवाइयां लेती है। ये तो बहुत डरावनी न्यूज़ है। कैसे? इसका मतलब 75% महिलाएं बिना दिमाग की घूम रही है। दिल की बात दिल में ना रखा करो, अपनों से शेयर कर लिया करो। जिंदगी बहुत कीमती है यार, कुछ करने से पहले एक बार सोच लिया करो। अरे भाई साहब, दारू की लाइन लग रही है। हाँ। अरे सॉरी सॉरी। अबे धक्का क्यों दे रहा है, सीधा खड़ा हो जा। अरे भाई साहब, इसकी शर्ट फाड़ दो, ये लाइन से हट जाएगा। अबे नहीं। अरे भाई साहब फाड़ दो ना। अबे ना। अरे भाई साहब फाड़ दो। अबे इसे पता पड़ जाएगी। अरे भाई साहब आपकी फटी आपको पता चली? कोई हालात नहीं समझता, कोई जज्बात नहीं समझता। कोई हालात नहीं समझता, कोई जज्बात नहीं समझता। ये तो बस अपनी समझ है। कोई कोरा कागज भी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब नहीं समझता। वाह अनु, कितना प्यारा बेबी है तेरा। बेबी नहीं, छोटी बहन है। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ नहीं आता कि जिंदगी क्या है। चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। यह बात कल भी सच थी और आज भी सच है। बेबी तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? बेबी मैं मोबाइल हूँ और तुम मेरे सिम हो, इतना प्यार करती हो तुमसे। ओ बेबी। अबे भाई इसके पास चाइना का मोबाइल है। अबे तो क्या हुआ? अबे चाइना के मोबाइल में 4-4 सिम लगती है। कैसे आए गोरी हम तो हर। इज्जत उसकी करो जो इज्जत डिजर्व करता है, उसकी नहीं जो डिमांड करता है। अक्सर मुश्किल में हम अपने अपनों को तलाश करते हैं, पर जिन्हें तलाशा जाए वो अपने नहीं होते। न जाने किसकी साजिशों के शिकार हो गए हम, न जाने किसके साजिशों के शिकार हो गए हम। जितना साफ रखा दिल को उतने ही गुनहगार हो गए हम। बेबी मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ।
मैं क्या बनूंगा? मामा। भाई हमारे स्कूल की टीचर भी ठस बुद्धि है। वो क्यों भाई? भाई कल उनने बोर्ड पे लिखा महाभारत और फिर हमसे पूछ रही थी महाभारत किसने लिखी। और मेरी कॉलेज वाली आरती फ्रेंड थी ना, बहुत टाइम के बाद मिली, मुझे बोला क्या तुम तो पहले से भी बहुत स्मार्ट लग रहे हो। अंधी थी क्या साली? तुम्हारे यहाँ कितनी नशेली क्यों है? क्योंकि दारू पीऊ मैं, दारू पिलाओ तो बता दे। सुन, तूने शादी के फेरे के समय एक वचन दिया था कि तू मेरी इज्जत भी करेगी और मेरी सारी बातें मानेगी। तो क्या इतने लोगों के सामने तुमसे बहस करती? अरे तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब तक आएगा? मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, सिंगल हूँ। सिंगल है? हाँ। मेरे से सेटिंग करेगी? नहीं बिल्कुल नहीं। अरे 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 पागल पागल, मेरे सेटिंग करेगी? नहीं नहीं नहीं, मेरे सेटिंग। आई लव यू बोल। हाँ ठीक है ठीक है, आई लव यू। क्यों? आई लव यू सेटिंग करेगी? आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सेटिंग करेगी? हाँ सेटिंग करूंगी। आई लव यू बोल। आई लव यू। अरे उतारो मुझे। सेटिंग करेगी नहीं करेगी? हाँ करूंगी। पहले बोलो आई लव यू जान। आई लव यू जान, जो भी जानवर जानवर। आज सुन ले इधर, पहले मेरी सुन ले, बोलो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ मैं तुमसे बहुत गेड़ूंगा गेड़ूंगा। बोलो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार, अगर तुम नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी। बोल बोलो मिले तो मैं तुम्हें मार दूंगी। बोल, मैं समझ, मैं गेड़ू फिर तेरे को। बोल बोल बोल, मिले तो मैं तुम्हें मार दूंगी। हाय, इधर कहाँ गए थे? हम लोग वृद्धाश्रम गए थे, मेरी मम्मी का बर्थडे था ना, तो सेलिब्रेट करने गए। तो तुम लोग अपनी मम्मी को वृद्धाश्रम में रखते हो? नहीं यार, हमारी इतनी हैसियत कहाँ की हम अपनी मम्मी को अपने घर पे रखें। हमारी मम्मी अपने घर में हमें रखती है। चले मम्मी के लिए खाना भी तो बनाना है। तेरे बिन मैं तो अधूरा। रुक जाओ ना। अरे हमें 3 घंटे हो गए हैं बात करते करते। हाँ कोई बात नहीं, तब भी रुक जाओ। अरे मुझे बाथरूम जाना है। हाँ तो फोन लेके चले जाओ। किसी को पानी लाने भेजो तो वो पहले खुद पीता है। ये जिंदगी है जनाब, यहाँ हर कोई पहले अपने लिए जीता है। समझा लूंगा मैं, कुछ मदद कर दो, गरीब की कुछ मदद कर दो। ओह नो, भगवान तुम्हारी जोड़ी सातों जन्म सलामत रखे। अबे असुर वापस दे। पर भगवान ये भी कर रहे कि ये तुम्हारा सातवां जन्म। हम समझदार भी इतने हैं कि उनका झूठ पकड़ लेते हैं। हम समझदार भी इतने हैं कि उनका झूठ पकड़ लेते हैं, पर उनके दीवाने भी इतने हैं कि फिर भी सच मान लेते हैं। वो ना ऐसा कर रही थी, फिर मैंने उसको बोला। अरे धीरे बोलो, दीवालों के कान होते हैं। अरे कान होते हैं, जुबान थोड़ी होती है, बताइए कैसे। नो 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 नो। और सुनाओ कैसे कट रही है जिंदगी? जिंदगी झंड बन गई अब तो जीता हूँ और न मरता हूँ। और आपकी? जिंदगी एक झंड बन कर रह गई। बुरा उन्हीं की बातों का लगता है और गुस्सा उन्हीं लोगों पर आता है जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं। यार लोग बोलते हैं कि जहाँ इज्जत नहीं होती है वहाँ नहीं जाना चाहिए। बात तो सही है यार। अरे तो मैं मेरे घर भी नहीं जाऊँ क्या? आपका दोस्त अभी। हेलो।
हेलो भाई कहाँ है? मैं तेरी भाभी के साथ। कौन से वाली? और भाई लम्डे क्या चल रहा? कोरोना चल रहा। ओह नो, साले घर भाग जा, अन्य भीतर घुस जाएगा। क्यों? तेरा नहीं घुसने का, दिख नहीं रहा? मैंने तो मास्क लगा रखा। अच्छा, अरे इंगा कहाँ जा तू? अगर जाऊँ तो बेटे कोरोना वो पीछे को भी घुस जा।